हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं मोटर वीडियोस के अंदर। दोस्तों, आप भी अगर लॉकडाउन से बोर हो चुके हैं और कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, बड़े बड़े देशों की बात तो सभी करते हैं और सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं सबसे छोटे देश के बारे में पूछूं तो डैम श्योर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादातर बोल नहीं पाएंगे। दोस्तों, वेजिटन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके मालदीव का सबसे छोटा देश कौन सा है। चलो हम आपको बताते हैं, ये देश है मालदीव, हिंद महासागर में स्थित बेहद ही खूबसूरत देश। दोस्तों, खूबसूरत देशों में घूमने की ख्वाहिश कौन निकलता, और अगर बात अपने खूबसूरत देश की हो जिसकी तुलना स्वर्ग से की जाती है, वहाँ घूमने में बात ही कुछ और होगी। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं आज हम एक साथ मालदीव के सफर पर। करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मालदीव एक द्वीप समूह है जहाँ लगभग 1200 समूह टापू है। इनमें से सिर्फ 200 के ही स्थानीय निवासी हैं और बाकी टापू पर आलीशान रिसोर्ट और होटल बनाए गए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन से भी ज़्यादा समुंदर है। सिर्फ क्षेत्रफल के हिसाब से ही नहीं बल्कि जनसंख्या के मामले में भी यह एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी कुल 4,28,000 है। दोस्तों, हमारी तरह भी ये देश अंग्रेज व गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी तो सबसे पहले भारत ने इसे मान्यता दी थी, तो इसीलिए मालदीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर 1968 को 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करके इसे गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, मालदीव पर करीब 25,000 भारतीय रहते हैं और हर साल करीब 6% पर्यटक भारत से जाते हैं। आपको बता दें, वहाँ कई बॉलीवुड स्टार ने शूटिंग भी की है। आपको यह भी बता दें, मालदीव के लिए भारत एक पसंदीदा देश है। पृथ्वी पर मौजूद सभी देशों में से सबसे नीचे स्थित है। यह समुद्र सतह से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। दुख की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग इस देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, मालदीव सिर्फ अपने आकार और जनसंख्या के मामले में छोटा नहीं बल्कि धर्म में भी यह सबसे छोटा देश है, मतलब कि दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक देश है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यह 12वीं सदी तक हिंदू राजाओं के अधीन रहा, फिर यह बौद्धिक धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के अनुसार यह पूरी तरह से मुस्लिम धर्म में बदल गया। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। दोस्तों, मालदीव की राजधानी है माली। यह मालदीव का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। 2006 की जनगणना के आधार पर लगभग 1,30,693 लोग रहते हैं। मायनों में यह सबसे घनिष्ठ शहर भी है। हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जाल से सटा हुआ है जिससे होकर झील जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की पूर्ति होती है। भारत के करीब 97% व्यापार हिंद महासागर के द्वारा होते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया की पहली अंडरवाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। साल 2009 में राष्ट्रपति मोहम्मद नसीर ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी और यह बैठक समुन्द्र के नीचे ही आयोजित की गई थी। यहाँ के टापू बेहद साफ और आकर्षित है और समुद्र का दृश्य देखने वाला है। जैसे समुद्र के पानी की गहराई बढ़ती है, उसके साथ साथ पानी का रंग भी बदलता है। सबसे रोचक बात यह है कि मालदीव का मौसम सुहाना होता है और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का यूज भी होता है। आपको मालदीव के बारे में सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा यहाँ जाकर दृश्य देखने में होगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वोटर वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।